गाइस, क्या आप भी कस्टम इमेज अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में डालना चाहते हो, चाहे वो डाउनलोडेड इमेज हो या खुद की खींची हुई फोटो। ये काम आप 2 मिनट में कर सकते हो मेरी हेल्प से, और आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कस्टम इमेज अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में डालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, उधर से आपको ये ऐप फोटोग्राफर डाउनलोड करना है। फिर आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है ना, लोड फ्रॉम गैलरी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज सिंपली सेलेक्ट करनी है, तो मैं ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाला ऑप्शन पर आना है, जो ये एरो है ना, इसके ऊपर आके आपको बस क्लिक करना है। फिर आपको ये ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट टू माइनक्राफ्ट पीई, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको अपना वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वर्ल्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए, आपको ये पूछेगा आपको एडजस्ट करने के लिए, आपको इमेज कहाँ डालनी है और कैसे डालनी है। तो ये मैं करता हूँ टिक मार। फिर आपको माइनक्राफ्ट ओपन करना है, और आपका वर्ल्ड जो आपने जिसमें आपको डाला है वो आपको खोल देना है। तो गाइस, सिंपली आपको अपना वर्ल्ड खोल देना है। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने जैसे ही वर्ल्ड खोला तो मैंने जो इमेज बनाई थी वो इधर आ चुकी है। और आपको थोड़ा दूर जाना होगा इमेज थोड़ी अगर अच्छी देखनी है तो। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आई ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो गुड बाय।